रश्मि, मैं अपने करने के लिए अत्यंत ही लज्जित हूँ। मैंने संपूर्ण यदुकुल को अपमानित किया है, आपको अपमानित किया है। क्षमा कर दीजिए, आपने मुझे कारावास का दंड देकर अत्यंत ही उचित कार्य किया है। तपस्वी, आपने जैसा कहा, मैंने उस विषय पर बहुत विचार किया और मुझे मेरा लोभ, मेरा क्रोध सब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। मुझे क्षमा कर दीजिए तपस्वी, मेरे कारण इतनी बड़ी समस्या उत्पन्न हुई और इसलिए आज मैं अपनी उस भूल को सुधारने के लिए आप सबके समक्ष एक सौगंध लेता हूं और मैं उसकी सौगंध लूंगा जो मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, मेरी प्रिय अर्धांगिनी लक्ष्मण। तुम भी मुझे क्षमा कर दो लक्ष्मण, मेरी ही भूल के कारण जरा ने तुम्हें अपमानित करने की चेष्टा की। एक पति होने के नाते ये मेरी सबसे बड़ी पराजय है, इसलिए आज मैं सौगंध लेता हूं कि अब से मैं अपने क्रोध और लोभ को, कभी भी ऐसे अवगुणों को अपने विवेक पर हावी नहीं होने दूंगा। जो भी मैंने जरा के साथ किया वो मैं आज के पश्चात किसी के साथ भी नहीं होने दूंगा और ये मेरा प्रण है। जिस प्रकार मैंने पिताश्री को आहत किया है, वैसे ही मैंने तुम्हें भी आहत किया है और इसीलिए मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। क्या तुम मेरी क्षमा स्वीकार करोगी? जो हुआ उसे भूल कर आगे बढ़ना ही तो जीवन है। सत्य में सा आज तुमने मेरा हृदय जीत लिया है। सबके समक्ष अपनी भूल स्वीकार कर बिना किसी अहंकार के सबसे क्षमा मांगना, ये एक वीर ही कर सकता है। मुझे गर्व है तुम पर साम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ताऊश्री, किंतु क्या मैं लक्ष्मणा को अपने साथ भ्रमण पर ले जाने के लिए आपसे आज्ञा मान सकता हूं? यदि मैंने इसे आहत किया है तो फिर इनके मुख पर प्रसन्नता लाने का दायित्व भी तो मेरा ही है ना? अवश्य सा, अवश्य जाओ। लक्ष्मणा की सौगंध खाकर सामने मेरे हृदय की समस्त संशय दूर कर दिए हैं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि साम इसके आगे से कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे द्वारका या यदुकुल का अपमान हो। लक्ष्मणा से अत्यधिक प्रेम करता है और यही प्रेम उसे विवेक से विचार करने की शक्ति भी देगा। जब शीश पर विपदा आती है ना, बड़ा संकट आता है, तो सबसे पहले अंत होता है विवेक का। किंतु जिसका विवेक ही जीवित ना हो और ना तो प्रेम करने योग्य होता है ना प्रेम निभाने योग्य होता है, जैसे हमारा सांप। कृष्ण, तुम्हारे बिना एक एक क्षण एक एक युग की भांति प्रतीत हो रहा है। गोलोक भी तुम्हारी अनुपस्थिति में निरस्ता हो गया है। शीघ्र आ जाओ कृष्ण। राधा, 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 राधा।
वहां तो कोई नहीं है, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हुआ कि अनेक स्त्रियों ने मेरा नाम पुकारा। कदाचित यह अवश्य ही मेरा कोई भ्रम था। भ्रम नहीं, सत्य है राधा। ये पुकार तो इन कमल के पुष्पों से आ रही है, परंतु ये कैसे संभव है? क्या लगा राधा, कृष्ण तुम्हें यूं गोलक में अकेला छोड़ देंगे? हाँ राधा, जिस प्रकार तुम्हारा हृदय कृष्ण से बिछड़ने के विचार मात्र से पीड़ित था, उसी प्रकार कृष्ण भी तुमसे दूर जाने के विचार से व्यतीत हो रहा था। तुमने रुक्मणी को द्वारिका में कृष्ण की देखभाल का उत्तरदायित्व सौंपा है, और कृष्ण ने हम सभी सखियों को तुम्हारी देखभाल का दायित्व दिया है। ये क्या राधा, तुम्हारे मुख पे प्रसन्नता तो है, परंतु आंखों में पीड़ा कैसी? क्या तुम हम सबको देखकर प्रसन्न नहीं हुई? नहीं नहीं ललिता, कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम सबसे भेंट करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। बस द्वारका में जो परिस्थिति है, उसकी पीड़ा मुझे भीतर ही भीतर खाए जा रही है। मैं बहुत चिंतित थी आपके लिए, न जाने पूरी रात्र आपने कैसे बिताई होगी कारागार में। आर्य, आपको कोई पीड़ा तो नहीं हुई ना वहां? लक्ष्मणा, आज के लिए इतना भ्रमण पर्याप्त है, तुम जाओ महल की ओर प्रस्थान करो, मैं कुछ क्षणों में आता हूँ। अकस्मत आपको क्या हो गया? अभी तो आपने तावश्री से आज्ञा लेकर मुझे द्वारका भ्रमण पर लेकर आए है, किन्तु जब से आप महल से प्रस्थान किया है, अब आपके विचारों में लुप्त है। मेरा हृदय बहुत व्यथित हो रहा है, मुझे आपको छोड़कर जाने की इच्छा नहीं हो रही। साम, हमने जरा का पीछा किया और हमें ये ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ने उनका तीर उपहार के रूप में लेना अस्वीकार कर दिया, और इस बात से उसे बहुत ठेस पहुंची है। अब वो श्री कृष्ण के लिए किसी विशिष्ट पशु का अखेट करने वाला है, जिसे वो श्री कृष्ण को भेंट करेगा। ये बाण तो मैंने श्री कृष्ण के लिए बनाया है, और उन्हें ही उपहार के रूप में भेंट करने के लिए तो मैं द्वारका आया हूँ। जरा जैसे साधारण व्यक्ति में पिताश्री को इतनी रुचि क्यों है, और वो भी पिताश्री को एक उपहार देने के लिए इतना आतुर क्यों है? कोई तो विशेष बात अवश्य है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पिताश्री संपूर्ण राज्य मेरे नहीं अभी तो उस जरा के नाम करने वाले हैं।